गुड मॉर्निंग एवरीवान वेलकम बैक टू जी के टुडे आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे ट्वेंटी सिक्स ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कौन सा भारतीय शहर फेस्टिवल ऑफ़ लाइब्रेरीज दो हज़ार तेईस की मेज़बानी करने के लिए बिल्कुल तैयार है तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करेगा इस दो दिन के इवेंट को कहाँ पे प्रगति मैदान नई दिल्ली में अगले महीने और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ऑफिशियली ओपन करेंगी फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज़ 2023 को इस फेस्टिवल में डिफरेंट तरह के एग्जिबिशंस होंगे बुक ऑथर सेशंस होंगे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी बच्चों के लिए साथ ही कुछ पैनल डिस्कशंस होंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइब्रेरीज़ को और ज़्यादा डिजिटल बना सकते हैं बेसिक एम क्या है इस इवेंट का नॉलेज को सेलिब्रेट करना और जो ब्रिज है हमारे हिस्ट्री और फ्यूचर के बीच में उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना साथ ही जो रीडिंग की हैबिट है उनको लोगों के अंदर और ज़्यादा प्रमोट करना ठीक है तो so, सिंपली याद रखिएगा फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज़ को होस्ट करने वाली सिटी कौन सी है तो so, ये है नई दिल्ली अगले महीने इसको सेलिब्रेट किया जाएगा हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है इनको कुछ दिनों पहले हाइएस्ट ऑनर मिला है सूर्य कंट्री का ठीक है अब आपको बताना है कमेंट्स में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाल ही में कौन सी दो कंट्रीज का ऑनर दिया गया है ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है तो आई होप कि आपको इसका आंसर जरूर आता होगा देखिए इसके अलावा तनकाई मेथड आजकल चर्चे में है अगर आपसे पूछा जाए कि तनकाई मेथड किस प्रोसेस से रिलेटेड है तो आप क्या बताएंगे एक्चुअली एक एग्रीमेंट हाल ही में साइन हुआ है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी किस लिए टूरिस्ट स्टोर द ट्रेडिशनल तनकाई मेथड जो कि यूज़ किया जाता है शिप बिल्डिंग के पर्पज़ के लिए ठीक है ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है ये सुपरवाइज और कैरी आउट करेगा इंडियन नेवी और इस इनिशिएटिव का एम है 2000 साल पुराना जो ये टेक्निक है शिप बिल्डिंग का तनकाई मेथड उसको रिवाइव और प्रिजर्व करना फाइन तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछें कि तनकाई मेथड किस प्रोसेस से रिलेटेड है तो याद रखिएगा शिप बिल्डिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द ट्वेंटी फिफ्थ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल के पच्चीसवें महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है ये हैं डी जी राकेश पाल जो कि एक अल्मनाए हैं इंडियन नेवल अकेडमी के हाल ही में इनको डेजिग्नेट किया गया है एज द ट्वेंटी फिफ्थ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इन्होंने आई सी जी की सर्विस को ज्वाइन किया था जनवरी नाइनटीन एटी नाइन में और आपको याद रखना है कि राकेश पाल को एक और रिकॉग्निशन इसके पहले भी मिल चुका है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के पहले गनर हैं ठीक है ठीके? इसके अलावा इनको तटरक्षक मेडल दिया गया था 2013 में साथ ही प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल भी दिया गया था इनकी डिस्टिंगिश्ड सर्विस के लिए 2018 में ठीक है तो दो बातें आप यहाँ पे याद रखिएगा हमारे नए इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है आंसर है डीजी राकेश पाल और ये किस नंबर के इंडियन डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं तो आंसर है ट्वेंटी फिफ्थ नंबर के ठीक है आपके एग्जाम में ये भी पूछी जा, जाने लगी है कि कौन से नंबर पे अभी आते हैं okay? है, किस भारतीय राज्य ने सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी करी है तो हाल ही में हमारे मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने इनॉग्रेट किया इस सिंपोजियम को कहाँ पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के आनंद में जो किलाई करता है गुजरात स्टेट में ठीक है इस इवेंट को कंडक्ट किया गया एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव एंड अंडर द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप ऑफ जी ट्वेंटी ठीक है तो कौन सा स्टेट है जिसने इस सिंपोजियम को होस्ट किया तो आंसर है गुजरात अच्छा इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल ही में साइन किया है मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023। तो हाल ही में ये बिल पास किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसका एम क्या है गारंटीड वेजेस या फिर पेंशन प्रोवाइड करना सभी एडल्ट पॉपुलेशन को स्टेट के अंदर और इस बिल की हेल्प से सभी फैमिलीज रिसीव करेंगी 125 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट हर साल और जो भी एल्डरली डिसेबल्ड, विडोज या फिर सिंगल वुमेन हैं उन्हें मंथली पेंशन मिनिमम दिया जाएगा एक हज़ार रुपये तक हर महीने ठीक है

इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक पोर्टल जिसका नाम है यू जिसकी हेल्प से आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी है उसके एप्लीकेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं और ये इनिशिएटिव पार्ट है इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का जिसका एम है जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अडॉप्शन और परचेज में आसानी हो सके और उसको इनक्रेज किया जाए उत्तर प्रदेश स्टेट में बाय ऑफरिंग द इंसेंटिव ओके तो आपको याद रखना है कि इसके लिए ये डेडिकेटेड पोर्टल स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश स्टेट ने उत्तर प्रदेश किस किस वजह से आजकल न्यूज में है सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया है कि अब से ये अपने यहाँ पे रहने वाले प्रिजेंट्स को रिफॉर्म होम्स बोलेंगे उनको प्रिजेंट्स नहीं बोला जाएगा ठीक है सेकेंड ये न्यूज में बना हुआ था बिकॉज ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2023 क्योंकि ये अपने स्टेट को हब बनाना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में थर्ड न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कन्फर किया गया है कुछ दिनों पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड के साथ फाइन लेकिन इसके अलावा मैस्टिटिस जो कि एक बीमारी है अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस वजह से कॉज होती है तो आप क्या बताएंगे ऑप्शन से आपके वायरस बैक्टीरिया अलगे या फिर फन किस वजह से आजकल मैस्टिटिस डिजीज न्यूज़ में है क्योंकि जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिज़ीज़ जो कि प्राइमरली कॉज होती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया ठीक है तो टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ज़रूरी है ऐसे केस में और हाल ही में एक नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अरेंजमेंट भी साइन हुआ है ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो कि काफ़ी तेज़ी से डेरी एनिमल्स में फैलती जा रही है और जो ब्रॉयलर चिक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इस वजह से हम पर हो रही है ठीक है

चौबीस तक ये जो फंक्शनल फैक्ट्री है ये स्टैब्लिश कर दिया जाएगा गुजरात के वडोदरा शहर में जहाँ पर पहली बार इंडियन मैन्युफैक्चर्ड C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगा 2026 से उसके बाद ठीक है और ये जो फैसिलिटी है ये सिमिलर है एक्सटेंसिव एयरबस फैक्ट्री के जो कि लोकेटेड है स्पेन में जो कि फैली हुई है 1.2 मिलियन स्क्वायर मीटर्स में ठीक है तो आपको याद रखना है कि इसके लिए फंक्शनल फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप की जा रही है तो आंसर है गुजरात वडोदरा देखिए इसके अलावा हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है ऑल इंडिया सर्विसेज अमेंडमेंट रूल्स दो और इसी के साथ अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट आई एस पेंशनर्स उनकी पेंशन को ये विथड्रॉ या फिर विथहोल्ड कर सकते हैं और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इनरोलमेंट नहीं होगा मतलब स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में कुछ भी नहीं बोल सकता है टोटल जो अथॉरिटी है ऐसा करने की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब है ठीक है तो इसके अलावा ये जो है किसी भी आई या फिर आई ऑफिसर से पूछताछ कर सकते हैं अगर वो किसी भी तरह के क्राइम में गिल्टी पाए गए तो ओके तो या आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज अमेंडमेंट रूल 2023 के बाद अब सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो किसी भी आई एस आई पी एस पेंशनर्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं ठीक है द रेलवे बोर्ड इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस विच टाइप ऑफ ट्रेन टू सर्व लो इनकम ग्रुप्स रेलवे बोर्ड निम्न आय वर्ग की सेवा के लिए किस प्रकार की ट्रेनें शुरू करने का इरादा रखता है तो रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे जनरल कैटेगरी ट्रेन को जिसमें ए सी मौजूद नहीं होगी ताकि लो इनकम ग्रुप्स को सर्व किया जा सके जिसमें आते हैं आपके माइग्रेंट वर्कर्स और लेबरर्स ठीक है और ये डिसीजन क्यों लिया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इकोनॉमिकली डिसवेंटेज पैसेंजर्स होते हैं और फिर उनको बाद में जाके बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है टिकट की वजह से ठीक है तो यही रीज़न है कि अब नई ट्रेनें शुरू करी जा रही हैं जनरल कैटेगरी ट्रेन बेसिकली ताकि लो इनकम ग्रुप्स को फैसिलिटेट किया जा सके उनके ट्रेवल में और इसमें माइग्रेंट वर्कर्स और लेबरर्स प्राइमरली रहेंगे नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फार्मा मेड टेक्स सेक्टर इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री फार्मा मेड तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्कीम जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन इन द फार्मा मेड टेक्स सेक्टर इसको बहुत जल्द भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए यूनियन कैबिनेट के पास और इस प्रपोजल को रिव्यू कर लिया है एम्पावर्ड टेक्निकल ग्रुप मीटिंग के दौरान और फिलहाल ये अप्रूवल का वेट कर रही है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ठीक है तो आपको बस याद रखना है कि ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री की है तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यहाँ पे एक और बिल है जो चर्चे में है इसको डिस्कस कर लेते हैं इसका नाम है मीडिएशन बिल 2021 अगर आपसे पूछा जाए कि मीडिएशन बिल 2021 जिसको हाल ही में अप्रूव कर दिया गया है ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है तो आप क्या बताएंगे बेसिकली मीडिएशन बिल 2021 को हाल ही में अप्रूव किया गया है और ये जो बिल है इसमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है फॉर रिजॉल्विंग द कमर्शियल थ्रू मीडिएशन बिफोर सीकिंग द लीगल इंटरवेंशन फ्रॉम अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट और ट्राइब्यूनल जाने से पहले पहले एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया गया है जिससे होके गुजरना पड़ेगा

हाल ही में स्टैब्लिश किया है एक हाई लेवल कमेटी जिसका टास्क है एक नेशनल एक्शन प्लान डेवलप करना फॉर एंटी माइक्रोबियल रजिस्टेंस टू पॉइंट ओ ठीक है क्या होता है ये एंटी माइक्रोबियल रजिस्टेंस बेसिकली ये एक तरीका फेनामिना होता है जहाँ पर जो बैक्टीरिया वायरसेस या फिर फनजाई हैं वो धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं सभी मेडिकेशंस के अगेंस्ट और फिर उनके ऊपर किसी भी तरह का मेडिकेशन का असर नहीं होता है ठीक है और इसकी वजह से डिफरेंट जो बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं इन इफेक्टिव होने लगता है ठीक है और ये जो रेजिस्टेंस है ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है यही रीजन है कि इंडिया ने यह कमिटी सेटअप करी है टू तो डेवलप नेशनल एक्शन प्लान एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ठीक इसके अलावा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस करा गया था तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 जो है वो हाल ही में क्लियर हो चुका है बाय यूनियन कैबिनेट और इसका एम है इस पर्टिकुलर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को रिप्लेस करना जो कि पास किया गया था 1867 में ठीक है तो ये एक्ट जो है ये 155 सालों तक एग्जिस्टेंस में रहा लेकिन अब इसको रिप्लेस किया जा रहा है इस नए बिल से जो कि सिंप्लीफाइड लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि कुछ प्रोविजंस को डिक्रिमलाइज किया जाए और जिसका स्कोप है उसको एक्सपैंड किया जाए ताकि डिजिटल मीडिया भी इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड हो सके ठीक है तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 1867 में और अब फिलहाल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 2023 को क्लियर कर दिया गया है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इंप्लीमेंट्स द गृह लक्ष्मी स्कीम कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश गृह लक्ष्मी योजना लागू करता है तो ये योजना है कर्नाटका स्टेट की और हाल ही में जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो नाइनटीन ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो चुका है इस स्कीम में होगा क्या जो भी फीमेल हेड्स हैं किसी भी घर में उनको मंथली अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा टू थाउजेंड रुपीज तक ठीक है तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका स्टेट आपको कमेंट से बताना है कि लाडली बहिना योजना कौन से स्टेट की स्कीम है ठीक है इसके अलावा ओडिशा की बात करें तो कुछ दिनों पहले इन्होंने रजा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया इस वजह से ये न्यूज में थे और इसके अलावा ए फॉर यूथ मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ नाम का एक इनिशिएटिव भी इन्होंने स्टार्ट किया था फॉल्स नेशनल पार्क एंड द अल्बर्ट डेल्टा रामसर साइट आर लोकेटेड इन कंट्री फॉल्स नेशनल पार्क और अल्बर्ट डेल्टा रामसर साइट किस देश में स्थित है तो ये दोनों ही जगह युगांडा कंट्री में लाया करती हैं और एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन है ईस्ट अफ्रीका क्रूड ऑयल पाइपलाइन का वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट डिसरप्शन कॉज करेगा डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जिसमें कि युगांडा का ये मुर्चन फॉल्स नेशनल पार्क और मुरचन फॉल्स अल्बर्ट डेल्टा रामसर साइड भी आता है ठीक है ये जो प्रोजेक्ट है ये मेजर फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि लिंक करेगा तिलिंगा और किंग फिशर ऑयल फील्ड्स को इन वेस्टर्न युगांडा टू तो द पोर्ट ऑफ तानगा जो कि लाई करता है ईस्टर्न तंजानिया में ठीक है और ये प्रोजेक्ट एमिट करेगा लगभग 379 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसी वजह से ये डिफरेंट साइट्स को अफेक्ट करेगा तो ये दोनों ही साइट्स लाई करती हैं युगांडा कंट्री में नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ के करेंट प्राइम मिनिस्टर या फिर आप कह सकते हैं कि नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं बोला तिनोबू ठीक है तंजानिया की यहाँ पे अगर बात करेंगे तो तंजानिया में हाल ही में डिसाइड हुआ है कि आईआईटी मद्रास एक नया कैंपस अपना सेटअप करेगा तंजानिया के जंजीबार रीजन में ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो आपको कॉमेंट्स में बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की कौन सी सिटी है जिसने हाल ही में ये डिसाइड किया है कि अब वो 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दियर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है क्योंकि इनका मानना है कि खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते और इस न्यूज को हमने कल ही डिस्कस किया है तो सब लोग अपने जवाब आप कॉमेंट्स में मैंशन करेंगे विच इंडियन सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट हिट बाय अ मेल प्लेयर इन बैडमिंटन At 565 per hour. किस ने में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा किसी मेल प्लेयर ने थ्रो किया है बैडमिंटन में और कितने रफ्तार के साथ था यह फाइव हंड्रेड सिक्स किलोमीटर दो हजार 2013 में बाय टैन बून हियंग जो कि किस कंट्री को बिलोंग करते थे ये मलेशिया से थे ठीक है इन्होंने ये हिट मारा था 493 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से तो अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है आर सत्विक सिराज ने और इनकी रफ्तार है 565 किलोमीटर्स पर आवर तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आई होप कि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई कि बीच में एक संडे पड़ गया था और उसके अलावा पिछले हफ्ते में मैं एक दिन लीव पे भी चली गई थी यही रीज़न है कि कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस दिखते जा रहे हैं तो हम लोग उसको इस तरह से इंक्लूड करते जा रहे हैं और हम लोग रिविज़न पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बट मैं कोशिश करती हूँ कि कल से हम अपना रिविज़न सेशन ज़रूर इंक्लूड करें और हर क्वेश्चन में हम लोग कुछ ना कुछ पुराना करंट अफेयर भी रिवाइज़ करते चलें ठीक है तो आई गेस कि अब जितने भी क्वेश्चन मिस थे वो आज हमने कवर कर लिए हैं तो कल से मैं कोशिश करूँगी कि रिविज़न वाला पैटर्न हम स्टार्ट करें देखिए ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है कि अगर आज के करंट अफेयर्स हैं तो वो आज ही आपको याद करने हैं कभी कभी हो जाता है बिकॉज ऑफ संडे या कोई लीव अगर पड़ गई तो उस दिन के क्वेश्चन हमारे मिस हो जाते हैं बट उसके लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उन क्वेश्चन को हम कहीं ना कहीं आगे एडजस्ट कर लेंगे या डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं आपने डिस्कस कराए लेकिन अगर आप रेगुलर रहेंगे जीके टुडे के साथ तो आपको समझ में आएगा कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या करंट अफेयर्स मिस नहीं हो रहा है ठीक है तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिए और पेशेंट रहिए मेरे साथ तभी आप इसका बेस्ट फायदा उठा सकते हैं चलिए अब आपके क्विस्क पे चलते हैं जहां पर आपको स्क्रीन पे पांच क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और इनका जवाब कॉमेंट्स में बताना है ये क्वेश्चन पीछे कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी तो अब आपका टर्न है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए और इनका जवाब कॉमेंट्स में लिखिए तो इसमें से जितने भी आपको आते हैं आप वो कॉमेंट्स में लिख सकते हैं और जो नहीं आते उनका जवाब आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को देख के याद कर सकते हैं फॉर फ्यूचर सो दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू हैव लाइक द सेशन आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ टिल देन स्टे ट्यून्ड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जी के टूडे विद दिस मीन उज साइनिंग ऑफ